हेलो स्टूडेंट्स, फिर डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास में 12th में मैथमेटिक्स के अंदर 1.3 एक्सरसाइज के सम क्वेश्चंस। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको मैंने 4 तक करा दिया था, अभी क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है लेट आर प्लस, यानी रियल नंबर के पॉजिटिव टर्म्स, लेट आर प्लस बी ऑल द सेट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, लेट एफ सच दैट रियल पॉजिटिव इन 10^4 इन्फिनिटिव सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, शो दैट एफ इज इन्वर्टिबल एंड एफ इनवर्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि एफ एक ऐसा फंक्शन है जो रियल नंबर्स के पॉजिटिव से लेकर के डोमेन में और 4 से इन्फिनिटिव तक लेकर के वो डोमेन में लाई कराता है, इंटेंड कराता है, और वो फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, तो हमें बताना है कि ये इन्वर्टिबल होगा और उसकी एफ इनवर्स की वैल्यू भी बतानी है। तो स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं कि हमें ये पार्ट मिला हुआ है। अगर हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव एफ एक्स इज इन्वर्टिबल वी शैल प्रूव एफ एक्स इज 1 1 एंड 1 2। थ्योरम नंबर 1 कहती है कि अगर आपका कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा 1 1 एंड 1 2। यदि आपका नंबर 1 1 एंड 1 2 है तो आप उसे इन्वर्टिबल कह सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रूफ करने जा रहे हैं 1 1 को। देखिए, 1 1 के लिए fx1 = fx2 अगर है तो x1² + 4 = x2² + 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, तो x1² = x2² हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा x1 = x2। So fx is 1 1 इक्वल आ गया। अब आते हैं फॉर ऑन टू fx = x² + 4, y = x² + 4 हो जाएगा, x² = y - 4, x = ±√y - 4 बन जाएगा। बट x इज ओनली r प्लस, x क्या है, रियल पॉजिटिव है, तो आप नेगेटिव नंबर लेंगे नहीं, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई है। हेयर फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y दैट इज 4 to infinity, 4 और इन्फिनेटिव के बीच के जो भी नंबर हैं इनमें आप जब भी रखोगे तो देयर एग्जिस्ट प्री इमेज, आपको प्री इमेज मिल जाएगी। प्री इमेज मतलब यहाँ मिल जाएगा भाई, आप मान लो यहाँ पर 4 रखते हैं तो 4 - 4 0 हो जाएगा, तो ये 0 एक्स है, हो सकता है हाँ रियल नंबर है, 0 भी रियल नंबर होता है। 5 रखेंगे 1 मिलेगा, अंडर रूट में 1 मिलेगा, रियल नंबर है, ठीक है। ऐसे 3, 4, 5 जो भी नंबर्स होंगे वो सब x में लाई करा सकते हैं, तो सभी की प्री इमेज बनेगी। सो एफ एक्स इज ऑन टू, इसलिए एफ एक्स क्या होगा, ऑन टू होगा। अगर एफ एक्स 1 1 एंड 1 2 दोनों है तो एफ एक्स क्या होगा, इन्वर्टिबल भी होगा, ठीक है। अब अगर एफ एक्स इन्वर्टिबल है तब आप उसको इन्वर्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपको x को y में ट्रांसमिट करना है। fx = x² + 4, y = x² + 4, यानी x² = y - 4, x = √y - 4। एफ इनवर्स x का मीन्स हो गया f inverse y - 4, यानी कि आप जब इसका इन्वर्स लेते हैं तो यहाँ भी आप इन्वर्स रखेंगे, तो यहाँ पर आप एफ इनवर्स x को रखेंगे, यहाँ रखेंगे आप x - 4, y की प्लेस पर x - 4, ठीक है। अगर आप x में दिखाना चाह रहे हैं तो आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि एफ इनवर्स y √y - 4, ये एफ इनवर्स y हो जाएगा। लेकिन अगर आपको एफ इनवर्स x निकालना है तो आपको यहाँ पर वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, x के प्लेस में यहाँ इंटरचेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर y है तो यहाँ आपको x पुट करना पड़ेगा, ठीक है। वो आप इनवर्स मान कर करके करिए या जैसे भी करिए, बट आपको पहले y मिल गया, क्योंकि x क्या होता है, एफ इनवर्स y होता है, जब y मिल गया तो y के प्लेस में आपने x पुट कर दिया तो यहाँ भी x आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि लेट x, x बिलोंग्स टू r, a जो है वो ऐसा नंबर है जिसमें जो x के इक्वल है, और x कैसा है, जो कि रियल नंबर से बिलोंग करता है। कैसे बिलोंग करता है कि -π/2 से लेकर के और +π/2 तक ये लाई कराता है। b कैसा है, जो y के इक्वल है, और y की वैल्यू रियल नंबर में कहाँ से कहाँ लाई करती है, -1 से लेकर के +1 तक लाई करती है।
लेस देन इक्वल टू है दोनों, तो माइनस वन भी होगा इसमें और आपका वन भी होगा। ये क्या हो गया आपका क्लोज्ड इंटरवल में आ जाएगा, यहाँ पर फिक्स वैल्यू यूज करी जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप देखेंगे साथ में आपको फंक्शन दिया है x इक्वल टू साइन x, कह रहा है कि इज इन्वर्टिबल, बताओ कि ये इन्वर्टिबल होगा और एफ इनवर्स की वैल्यू बताओ। तो वही मैंने बताया आपको कि टू प्रूव इन्वर्टिबल वी शैल प्रूव इट वन वन एंड ऑन टू, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू साइन x, तो फोर वन वन साइन x वन इक्वल टू साइन x टू, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, सो एफ इज वन वन। अब आता है फॉर ऑन टू, ऑन टू के लिए देखिए एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, वाई इक्वल टू साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स वाई। हेयर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वाई दैट इज माइनस वन टू वन देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज इन ए माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू तक एक्स की वैल्यू जो होती है वो y की यही वैल्यू देती है, माइनस वन से लेकर प्लस वन ही देती है। तो इसका मतलब जब प्री इमेज बनेगी सो f इज इन्वर्टिबल, f क्या होगा इन्वर्टिबल है, अब ये इन्वर्टिबल है तो आपको f इनवर्स बताना है। नाउ f इनवर्स वी हैव x fx इक्वल टू साइन x, y इक्वल टू साइन x, x इक्वल टू साइन इनवर्स y, f इनवर्स x इक्वल टू f इनवर्स साइन इनवर्स y। अब वही मैं बात आपको बता रहा हूँ, अगर आपको यहीं लिखना है आंसर तो एफ इनवर्स वाई इक्वल टू कह सकते हैं आपका हो गया ये साइन इनवर्स वाई, लेकिन अगर आपको एक्स में चेंज करना है एक्स के लिए पूछा है तो आपका यहाँ एक्स आ जाएगा और यहाँ भी एक्स आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से होगा, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना, कई बार आंसर शीट में एक्स में दे रखा होता है, कई बार वाई में दे रखा होता है, तो आपको यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी उसे इंटरचेंज कर देना है। ये जनरली जो वैल्यू निकालते हैं आप एक्स के लिए निकालते हैं, एफ इनवर्स वाई ही होता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेवन है लेट एफ सच दैट माइनस वन टू वन इंटेंड टू वाई, एफ कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है कि उसका डोमेन माइनस वन से वन है और को डोमेन वाई है, वी द सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स वन एक्स प्लस टू, फंक्शन है x अपॉन x प्लस टू और कैसा है कि x नॉट इक्वल टू टू, टू के माइनस टू के इक्वल नहीं होना चाहिए x को क्योंकि जीरो बना देगा, जीरो से इन्फिनिटिव हो जाएगा। और y खुद क्या है, y इज द रेंज ऑफ f, y क्या है रेंज ऑफ f, यानी जो कोडोमेन है वो रेंज के बराबर है। अगर कोडोमेन रेंज के बराबर है तो आपको पता होना चाहिए कि सारे एलिमेंट जो y में होंगे वो मैप हो रहे होंगे, यानी कोई एलिमेंट नहीं छूटेगा, तो ऑन टू तो वैसे ही प्रूफ हो गया। सो दैट f इज इन्वर्टिबल एंड हेंस f इनवर्स, तो वही आपको दे दिया डोमेन, ये हो गया कोडोमेन वाई विच इज इक्वल टू द रेंज। एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस टू, ठीक है। अब हम जानते हैं कि फॉर इन्वर्टिबल वी शैल प्रूव इट वन वन एंड वन टू, एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस टू, एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस टू फोर वन वन, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू हो जाना चाहिए, क्या हो जाएगा एक्स वन अपॉन एक्स वन प्लस टू, यह हो जाएगा एक्स टू अपॉन एक्स टू प्लस टू। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो एक्स वन एक्स टू प्लस टू एक्स वन, यहाँ पर एक्स वन एक्स टू प्लस टू एक्स टू, एक्स वन एक्स टू से एक्स वन एक्स टू कैंसिल, तो टू एक्स वन इक्वल टू टू एक्स टू, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, वन वन हो गया प्रूव। बार देख लें फिर से, जो भी फंक्शन है उसको क्रॉस कराया, क्रॉस के बाद उसकी वैल्यू लगा दी, ठीक है। अब देखिए फॉर ऑन टू गिवन कोडोमेन इक्वल टू रेंज ऑफ एफ, सो एवरी एलिमेंट ऑफ वाई विल गिव अ प्री इमेज इन माइनस वन टू वन, सो एफ इज ऑन टू। अगर ऐसा हुआ तो f क्या हो जाएगा ऑन टू हो जाएगा, ठीक है। अगर ये वन वन भी है और ऑन टू भी है तो फिर फंक्शन क्या होगा आपका इन्वर्टिबल होगा, ओके। अब देखिए एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स प्लस टू,
एफ एक्स की वैल्यू क्या है वाई, तो वाई इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स प्लस टू। अब आप इसको को क्रॉस करा देंगे तो वाई एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई एक्स इक्वल्स टू टू वाई, ठीक है। अब ये आ जाएगा एक्स इसमें कॉमन, वन माइनस वाई इक्वल्स टू टू वाई, एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा टू वाई अपॉन वन माइनस वाई। अब अगर आपको f इनवर्स y के फॉर्म में लिखना है तो ये आपका आंसर है जो आपका आंसर शीट में दिया हुआ है, और आपको x के फॉर्म में लिखना है तो आप इसके प्लेस पर x लगा देंगे, f इनवर्स x इक्वल्स टू टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, ठीक है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन में कोई हार्डनेस नहीं है, बस थोड़े से बेसिक्स चीज़ें समझनी है, इन्वर्टिबल का फंक्शन समझना है, क्या प्रोसीजर है इसका, इन्वर्टिबल कैसे प्रूफ करते हैं, किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 5 से देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 6 5 से कराया गया आपको, ये क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 ये हमने भी आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पर कराए हैं, तो बहुत आसानी से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और अपने टेस्ट के लिए अपने ही प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि आपका टेस्ट की जो आपको डेट मिली है उसमें आपका टेस्ट ये होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको ये सब चीज़ें प्रिपेयर करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अपनी जो है इसको फिर नोटबुक में कम्प्लीट करें और अपना वर्क कम्प्लीट करने के बाद इनको प्रिपेयर करें एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।